सर सर रुकिए रुकिए सर वहीं पे वहीं पे वहीं पे बस 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 सर स्टार्ट हुए लेफ्ट सर सर लेफ्ट में लेफ्ट में सर अभी लेफ्ट में वेट सर वेट सर यार थैंक यू सर 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 उदी को भाई सर 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 आ गए ना स्टार्ट को लेफ्ट स्टार्ट को लेफ्ट सर बोलते सर लेफ्ट में ऊपर डाउन डाउन सर आपका राइट लेफ्ट में सर वन मोर राइट अरे भाई धक्का मत दो यार अरे उधर से धक्का रहा है राजा भाई अरे मैं नहीं दे रहा हूँ बाबा मैं प्लीज राजा भाई तो सेंटर में अरे पीछे क्लियर क्या जी शंता जी अरे शंता मैडम थोड़े ऐसे ही शंता मैडम थोड़ा ऐसा ही ले यार ऐसे यार मेरा पानी क्लियर है ना अरे हां अरे हटो यार शंता मैडम तू शंता मैडम शंता मैम यार लेफ्ट लेफ्ट शंता मैम क्या समझ में आ रहा है क्या शंता मैम यार लेफ्ट लेफ्ट या सेंटर मैम राइट शंता जी आपके लेफ्ट में मैडम जी मैडम मैम राइट कॉर्नर मैम राइट कॉर्नर इतने शंता दादा लेफ्ट ना शंता लेफ्ट शंता लेफ्ट थैंक यू ऊपर मिल गए चलो ऊपर हाँ आएंगे आएंगे ऊपर भी आएंगे कितना ऊपर उठाएगा फिलहाल सर वेट पंकज सर लेफ्ट लेफ्ट राजकुमार सामने सर सामने देखे नहीं आपने सिंगल पैसा डबल का अरे हीरो ना आती शान है अरे रवि भाई मोबाइल मैं वेट 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 साइड साइड थोड़ा दादा थैंक यू मैडम अरे आ रही है अरे पीछे तुम लोग पीछे अरे जा रही हो पीछे पीछे आओ भी बस बस मैं वेट 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 पीछे मैं भी आ रहा पीछे में रुको मैडम जी रुको सर
सर सर अरे वो नेबू लो सर आओ सही है ना ये? हाँ सब ठीक सुरक्षित? ये लाइट बढ़ा दो, वैसे भूत वाली फिल्म है तो लाइट कम हो तो ज्यादा बेहतर होगी, वो आएगी कहीं से भी। ये चंदेरी पुराण है जो मेरे हाथों में है, सुंदर सुशील और शांत, ये तीन भाई नहीं थे, ये शब्द हैं हमारे अद्भुत शहर के लिए, सुंदर सुशील और शांत। चंदेरी और यहाँ के लोगों का वर्णन इन्हीं शब्दों से किया जा सकता। महाभारत के राजा शिशुपाल के जमाने से मौजूद ये शहर भारत के सबसे पुरान सबसे अनोखे शहरों में से एक है, और इस शहर के अनोखापन इसके अतीत में है। चंदेरी शहर देश भर की कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मगर इस शहर के भी अपने कुछ छुपे हुए सच हैं जो कभी यहां से बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसा भैया, एक ऐसा सच जो भैया क्या कर रहे हो, ऐसे मत किया करो, पता है रात को नींद नहीं आती है हमें, आप ऐसे अनाथ शराब बना देते हो। अरे बेटा देखो, मैं कुछ आलतू फालतू नहीं कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये सच है, आप लोग यकीन मानिए। नहीं रुद्र भैया गलत बात है, गलत बात, हमेशा डराते रहते हैं हमको। अरे नहीं नहीं, हमें सब तुम सब तुम्हें क्या पता है, कुछ पता नहीं तुम्हें, आप बता दीजिए अगर नहीं पता है तो। सब पता है, मैं सब बता देता हूँ, सुनो। सब जानते हैं क्या पता है? ए टू जी, ए टू जेड सब जानता हूँ मैं, वैद्य विशारद संगीताचार्य साहित्याचार्य सब जानता हूँ, त्रिकाल दर्शन मुझे तुम्हें सब कुछ पता है, अभी आज कल और परसों सब मालूम है मुझे। बताइए, बता रहा हूं, सुनो। सारे देश में इंटरनेट पे एक ही बात लिखी हुई है, मर्द को दर्द होगा और जरूर होगा, कितना भी बड़ा सीना हो उसका, कितने भी इंच का, पूरे देश के इंटरनेट पे यही लिखा है कि मर्द को दर्द होगा, जरूर होगा, क्योंकि वो आ रही है। कौन आ रही है? सुनो, अरे भोसड़ पीढ़ी।
पहन के सब बनाते हैं कभी लेडीज फैशन घाघरा लहंगा चूड़ीदार पटियाला अनारकली मॉडल सलवार पाकिस्तान सलवार लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट कुर्ती करारा शरारा मिरर वर्क स्टोन वर्क डिजाइनर पेंटी नाइट फॉल नाइटी फॉल मैं भी आ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा बोली विक्की प्लीज विक्की प्लीज भाई तो कह रहे हैं विक्की प्लीज तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है हाथ लो विक्की प्लीज तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या नहीं क्यों मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर की चोंच लंबी और पेनी होती है मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले बकवास कर रहे क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बस गायब हो जाती है अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है कौन स्त्री पुरुषों को उठाती है सिर्फ वस्त्र छोड़ती है वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी फौरन चप्पल निकालो हाथ में लो और भागो उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है सबका आधार लिंक है उसके पास कुछ भी हो जाए पलटना मत देखना आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे खुलता कैसे उसकी आंखों में देखो आंखों में प्यार की भूखी है वो प्यार से देखो प्यार और प्यार से देखो अरे हमारी गड़बड़ी हुई है कहां से लाएंगे प्यार के बारे में क्या पता है आपको कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक दृश्या हुआ करती थी शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था सच्चा प्यार और एक तुम्हारी जनरेशन का प्यार है फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया सेकंड टाइम में सब हो गया कहां जा रही है हमारी युवा पीढ़ी हम तो सब बनाते हैं कंप्लीट लेडीज फैशन घाघरा लहंगा चूड़ीदार पटियाला अनारकली मॉडल सलवार पाकिस्तान सलवार लॉन्ग कुर्ती शॉर्ट कुर्ती करारा शरारा मिरर वर्क स्टोन वर्क डिजाइनर पेंटी नाइट फॉल नाइटी फॉल मैं भी आ नहीं रहती लेकिन पूजा के टाइम हर साल आ जाती हूँ हाथ पकड़ा और बोली विक्की प्लीज क्या तुम्हारा हाथ पकड़ा बोली विक्की प्लीज भाई तो कह रहे हैं विक्की प्लीज तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है हाथ लो विक्की प्लीज तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है क्या नहीं क्यों मोर मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर की चोंच लंबी और पेनी होती है मोर की ऊंचाई लगभग 1.5 फुट होती है मोर जब सावन के मौसम में झूम उठता है तो लोग उसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जैसे हम आपको देख के मंत्रमुग्ध हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतिया है साले बकवास कर रहे क्यों हर साल तुम्हारी साली एक गर्लफ्रेंड पूजा के टाइम ही आती है और बस गायब हो जाती है अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है कौन स्त्री पुरुषों को उठाती है सिर्फ वस्त्र छोड़ती है वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी फौरन चप्पल निकालो हाथ में लो और भागो उसको सबका नाम कैसे पता चल जाता है सबका आधार लिंक है उसके पास कुछ भी हो जाए पलटना मत देखना आज तो साले के कपड़े ही मिलेंगे खुलता कैसे उसकी आंखों में देखो आंखों में
प्यार की भूखी है वो, प्यार से देखो, प्यार और प्यार से देखो। अरे हमारी पकी हुई है, कहां चलाएंगे प्यार। भैया ये गलत कर रहे हैं, हम हमारे साथ पता है बहुत डर लग रहा है, हमने जो कुछ करने की कोशिश करी, देखो धागा इधर पहन लिया, धागा पैर में भी पहन लिया, हमने पैर में कंगन भी पहन लिए। सुनो सुनो सुनो, पंडित जी ने कहा था लेकिन हमें लग रहा है हमारी शादी नहीं होगी, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। अरे बेटा हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, माइक की जरूरत नहीं है हमें स्त्री से बचाने वाले की जरूरत है। अरे बेटा बिना माइक के ही तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरी शादी भी हो जाएगी। रुक, स्त्री से बचने का ना एक ही उपाय है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हाँ बहुत काम का आदमी है, बहुत कारगर आदमी है, उसकी एक फोन पे ना सब आ जाएंगे, उन्हीं को बुला के पूछते हैं सब आ जाता है। अरे बाप से ट्रंप को भी बुला देंगे वो। अच्छा। हाँ उन्हीं को बुला के पूछते हैं कुछ स्त्री से बचने के उपाय क्या है, मैट की प्लानिंग करते हैं, क्यों कॉल हिम राइट नाउ। हाँ तो वो है दिनेश विजन सर, प्लीज गिव अप फॉर दिनेश, कम ऑन स्टेज आइए। देखिए पंकज जी, स्त्री से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, करेक्ट, लेकिन क्योंकि हमने 3 महीने स्पेंड किए हैं सिचुएशन में, तो अब सबको बचाने के लिए पूरी स्त्री की टीम ने श्रद्धा, डीके, राज अमर ने एक स्त्री से सुरक्षा किट बनाया है, वो सब आपके सामने पड़ा हुआ है। अगर आप देखें नीचे तो उसमें नींबू और मिर्ची है, गंगा जल है जस्ट इन केस, हनुमान चालीसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पुराण पढ़िए, उसे प्लीज़ पढ़िए करेक्टली, तो आपको लास्ट पेज फटा हुआ है तो हमें भी नहीं मालूम क्या करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें एक चंदेरी की साड़ी है। सो जो सब लेडीज लोग यहाँ हैं प्लीज़ वो साड़ी आपके लिए नहीं है, जो आप घर जाएं आपकी आपके ब्रदर लवर बॉयफ्रेंड उनके लिए है, तो उन्हें प्लीज़ प्यार से दीजिए और उन्हें रखिए, जब तक स्त्रियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है। और आप सब मर्द लोग घर जाके अपनी बीवी बीवी को मत दे देना, ये सब आपके लिए, थोड़ी देर में श्रद्धा आपको बताएगी कि वो साड़ी आपके कैसे काम आएगी। अब जो डरे हुए मर्द इस पिक्चर के पीछे हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा, अमर कौशिक जो इस हमारे ही इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, गिव इट अप फॉर द डायरेक्टर ऑफ स्त्री अमर कौशिक। बड़े ब्रेव आदमी है जिन्होंने पिक्चर बनाई है स्त्री, क्योंकि उसका पीछा तो कभी नहीं छोड़ेगी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी खतरनाक स्त्री है, आप लोग देखिएगा, शायद थोड़ा सा दिखी है आप लोगों को, और काफी स्त्री एक स्त्री है नहीं है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, देखने का, और बाकी आप अभी हम बुलाएंगे इस पिक्चर में दो बड़े हैंडसम लोग हैं, राज और डीके, नॉट राजकुमार, जिन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ प्रोड्यूस की है और इन्होंने ये पिक्चर लिखी भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैडॉक फैमिली, राज एंड डीके। So Raj, would you like to say something on this Stree occasion? Thanks. Thank you for everyone for coming, and I hope you enjoy the trailer. Everybody is making true stories. Everybody is making lots of true stories. We thought we should also make a true story, but we thought we should make a ridiculous true story. So this story has been with us for a while, and we experienced this firsthand, and everybody was saying it's true, and it felt ridiculously true for us. We said we had to make a film once in some time in life, and we found the perfect director in Amar and perfect producer in Dino, and of course, perfect cast in Rajkumar, Shraddha, Apar, Abhishek, and Pankaj. And we had a very beautiful team that we all shot in a small town called Chanderi, and I hope you guys like it. It's the perfect mixture of humor and horror, and great acting and great directing. So it sounds really good. Producing. Yeah. Now, the only man who does not believe in Stri, ladies and gentlemen, Rajkumar Rao. I don't believe in Stri, but I'm really scared of Stri, though. Yeah. First of all, kaisa laga aapko trailer? Really, honestly. Yeah? Thank you so much. Ye ek aisi film hai, anokhi film hai. You know, hum bahut films karte hai. Lekin ek आई थिंक एकमात्र ऐसी फिल्म है जहां पर हम सबको इतना मजा आया, आई थिंक पूरी टीम को, लाइक अ फैमिली वी वर लिविंग इन चंदेरी इन भोपाल,
And it's a really small town, but we had no complaints. We were just focusing on making a good film. And we are really proud of the film, and now it's in your hands. And I hope you give the film a lot of support and love that it totally deserves. So thank you for coming. And thank you, Dinu, Amar, the whole team, Raj, DK, Abhishek, Pankaji, Apar, Shraddha. Thank you so much. Thanks a lot, guys. A lot of support and love that it totally deserves. So thank you for coming. And thank you, Dinu, Amar, the whole team, Raj, DK, Abhishek, Pankaji, Apar, Shraddha. Thank you so much. Thanks a lot, guys. And before we call the most important member of this film, the only Stree among these women, I'd like to just, among these men who are behaving like women, I'd like to just take a moment to thank Jio Studios, this is their first association. Jyoti cannot be with us right now, but she's someone who has been part of 9 out of my 10 films in her previous institution. She's just joined Jio, and she sends her love, and she really, really believes in this film. But she can't be here. And I'd like to call Anil Thadani, who's been with us for a very long time. He distributes all our films. Whoa. And he's a very, very important part of the Maddock family. Actually, we have to take his permission before we make a film. And Abhishek, why have you left? You're so scared of what? Means you have to be on stage now. He's one of the most, the hidden talent in Stree. Okay, now what we are all waiting for, and you guys are waiting for, ladies and gentlemen, Stree, is she or is she not, Shraddha Kapoor? Hello, everyone. I really hope ki aap sabko trailer. Did you guys like the trailer? Okay, that's a good reaction. तो आई डोंट नो कि आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं हूँ वो तो पता चलेगा पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पहली बार एक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा बनी हूँ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टू स्टैंड विद एवरीबॉडी ऑन स्टेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अमेजिंग टैलेंट थैंक यू डीनू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस फिल्म थैंक यू एवरीबॉडी अमर आवर डायरेक्टर And so I really, really hope ki aap hamari film ko support karenge and usko utna hi pyar denge jitna wo deserve karti hai. So thank you, everyone. Thank you. Can we just put some stools and we can start Q&A? Let's give them a minute. Photo last karenge. Photo will do last. Photo last mein karte na? Huh? After Q&A. नहीं रुकेंगे आपको फुल 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 I think only you should sit and we should all stand. Yeah. Correct, yeah. It's better. Haan, baaki sab khade rehte. We'll do a new kind of thing. Only Shraddha sits. Hi. So, drill. We'll start the Q&A like this. Yeah. Is there a mic someone's giving around here? So, trailer bahut badhiya hai. Badhai ho puri team ko. Thank you, Alok. Sir, thank you. Hi, hi. सवाल ये है कि मैं चाहूंगा कि आप सबका भूतों का एक्सपीरियंस कैसा है असल जिंदगी में जरा बताएं पंकज भाई अगर आप स्टार्ट करें और अभिषेक खत्म करें इसको मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था ऐसा कुछ नहीं है मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है इतना ही यू नो मैं तो बहुत फट हूँ ये मामले में हाँ हॉनेस्ट तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ तो इस पिक्चर का यूनिक बात ये है कि आपको जेन्यूनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पर भी मजबूर करेगी अपार साहब यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने ज़रूर आते थे एंड दैट यूज़ टू बी रियली रियली स्कैरी अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ Last, sir.
मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पर जरूर विश्वास करते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं. चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली, एंड देयर इज एन इमेज व्हिच आई एक्चुअली आल्सो पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर, आई डोंट रिमेंबर व्हिच, राज सर हैज क्लिक्ड. एंड इफ यू कैन गो बैक टू माय ट्विटर एंड यू कैन सी इट देयर, यू विल एक्चुअली, वी वर शूटिंग एट नाइट अराउंड 3:00, 3:30, एंड दिस एक्चुअली देयर वाज समबडी पीपिंग एंड दैट थिंग हैड नो फेस एंड वी ऑल गॉट रियली स्पूक्ड आउट ऑफ दैट इमेज, रिमेंबर सर? या सो आई थिंक देयर आर एनर्जीज यार, आई एम श्योर. हो सकता है इन चेयर्स पे भी अभी कोई बैठा हो जो शायद हमें दिख नहीं रहा है, जिनके हाथ में कैमरा है, जो शायद ये फिल्म ट्रेलर देख के एंजॉय कर रहे हैं, यू नेवर नो. श्रद्धा, एक्चुअली मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है टू बिगिन विथ, तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देखी थी और बीच बीच में हंस भी रही थी, तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था. लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ, और हॉरर फिल्मों को मैं एक्चुअली ज़्यादा देखती नहीं. तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्केयर्ड ऑफ गोस्ट, आई थिंक आई एम स्केयर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो अभिषेक, आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, ज़रा बताएं. नहीं, मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था, लेकिन अभी तक देख नहीं पाया हूँ, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा. अमर, जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, तो कभी ऐसा एहसास हुआ जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने, कि कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ, बहुत बहुत बार होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था, और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था. और जब ये हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म, तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी. मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें, और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा. That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not five, but yeah. 5 years ago. Maybe four. Three of us were going in the middle of Mahashivratri night when you're all about, we're all set freedom and you can go be up all night. So we were going around, we had lots of plans, we'll play, we'll go there, we'll do lots of nefarious activities. Somebody said don't go to the edge of the hills because wahan pe ek stree ghoom rahi hai. We were like, what the? So we were like, okay. He said, we want to see it now. Sure, part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was, but since then we wanted to make a horror comedy out of it because we were the fattoos, didn't want to go all the way there, but that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो आप बता दीजिए. तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में और हम सबको बहुत दर्द होता है सर. मैं जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर. मेरा राज और डीके जी से सवाल है. इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो एक थ्रिलर थी, और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था. तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था, कि एक औरत हो जाती है साहब. Yeah, see, basically, I don't know, it's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga. And, you know, guys, beware. Guys, don't go out at night. You know, ghumna achcha nahi hai, achche kapde pehno. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So. Hello. My question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. तो इसमें लिखा है मर्द को दर्द होगा, तो आप दोनों की लाइफ में ऐसे कौन से तीन इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ हो?
Dard can be actually physical or emotional. Physical, emotional. Any three incidents in your life. Of course, when I lost my mom, that was the most terrible pain, emotional pain. Uske alawa... Uske alawa kam? Yeah, we were playing... Yeah. No, Apar. Apar ne bahut run out karaya mujhe. Hum Chandri mein cricket khelte the, to har baar bahut dard hota tha. To wo bahut dard ki baat hai. Aur I think... जब भी लाइक सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था। आई थिंक कब सबसे ज्यादा दर्द होता है? डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द भी होता है कनेक्टिंग टू द फिल्म. But apart from that, definitely heartbreak. Heartbreak is quite very painful, very, very painful. But uske alawa, jab agar door se mere samne se ek plate dessert ka ja raha ho aur kisi bhi karan se main wahan pahunch nahi sakti ya wo mere paas pahunch nahi sakta, to bahut dard hota hai. Bahut, bahut dard hota hai kyunki bahut bada weakness hai dessert ka. Aur bahut sari visits करती हूँ डेंटिस्ट को, तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड हाँ, लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता, लेकिन हाँ पता नहीं. और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? आई थिंक टू लूज अ लव्ड वन. Biggest fear. राजकुमार एंड अपार शक्ति आप लोग को किससे लगता है डर सबसे ज्यादा? किससे लगता है पूरी दुनिया? जब मैं रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था थप्पड़ से डर लगता है, पैर से लगता है, क्योंकि यू नो द फिल्मी गाय ऑन रेडियो. बट अदरवाइज डर या किससे लगता है? सर इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी चेक. सर इससे डर लगता है. राजकुमार एंड पंकज सर आपको? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है. थैंक यू श्रद्धा. हाय श्रद्धा. सॉरी सॉरी कोल्ड. सॉरी ऑन योर लेफ्ट हियर श्रद्धा. सॉरी ऑन योर लेफ्ट. हाय द अदर लेफ्ट. या यू हैव बीन वांटिंग टू डू अ कॉमेडी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई बिलीव आई वाज रीडिंग समवेयर एंड आई थिंक दिनेश सेड दैट शी हैज अ लॉट ऑफ क्वर्कीनेस इन हर. सो व्हाट इज द एक्सपीरियंस? आई मीन कॉमेडी, डू यू एंजॉय डूइंग दिस? अगर क्वर्कीनेस है या नहीं वो आई थिंक आप सबको बाद में फिल्म के रिलीज के टाइम पे पता चलेगा. पर डेफिनेटली बहुत मजा आया, जैसे राज ने भी कहा, इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए. And everyone is very funny in real life. तो उनकी कंपनी में ही बहुत मजा आया. And I really hope कि सबको फिल्म पसंद आए. That's all. And which is your favorite horror film, you and Raj? Favorite horror film? Mine is Conjuring, Conjuring 1. No, mine. मेरा favorite horror film नहीं है. Horror comedy is 3. Yes. जैसे हर फिल्म से होती है, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो. श्रद्धा, विच जॉनर यू एंजॉय मोर? विच जॉनर डू आई एंजॉय मोर? टू बी अ पार्ट ऑफ, टू शूट, और जस्ट टू वॉच एज एन एक्टर? आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस फिल्म, सो आई वुड से दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज भी था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में द मूवीज दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ हैव बीन देव हैड अ मोर इंटेंस जोन आई वुड से. तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी बहुत ही मज़ा आया. राज, जस्टिन योर टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर.
Raj, as my colleague said, Mard ko dard nahi hota was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today, finally? I don't know how a hero feels, honestly. I feel like an actor. I wanted to be an actor. And I always want to feel like an actor. I don't know this term, honestly, hero. Mere paas actually koi script bhi leke aata hai na, bolta hai ki, sir, hamara jo hero hai na, main usko kehta hu, ek second. Uska kuch naam hai, ki wo hero hi naam hai uska. Lekin wo jo character hai, sir, then this, see the character's name. What is hero? We are not heroes. Heroes are people who are fighting on borders, man, for us. We are not heroes. We are just doing our job. That's it. Also, I really wanted to ask Raj and DK, I mean, any of you, if you can answer, where exactly did this story originate? I mean, if you can give me a timeline and the place of the location or something like this. See, we experienced in our hometown when we were in college 5 years ago. Which was small town, Andhra Pradesh. Sorry, Andhra Pradesh. No, this is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Every language seems to have this scent. And then there was something happening in the north in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon. And it's Bombay. Just, now it's going to happen in Bombay. So it's pan. It's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it? All that stuff is what's fun about the film. Hi, Rajkumar. Hi, Ravi. Hi, sir. Rajkumar, Justin ke question ka follow-up karna chahunga. Jaise ki unhone abhi aap se sawal kiya heroism ke baare mein. Jab aapne shuruaat ki thi love, sex aur dhoka se, us waqt aisi bahut saari filmein us waqt zyada ban rahi thi. Ek hero jo term hai hamare yahan, heroism zyada hota hai filmon mein. Aap jis tarah ki filmon ka hissa bante aaye hain, haal hi mein jo aayi thi Newton, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है, अब जो हीरो होता है फिल्मों का वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है, तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? नो, आई टोटली अग्री विद यू सर. आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज, मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं. मैंने 50 साल के एक पिता का रोल करते हैं. तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है. एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे यू नो स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है. उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है. कॉन्टेंट फाइनली यू नो इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे. वो चाहती हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें. दैट्स वाई आई थिंक films like Newton or Bareilly Ki Barfi or Sanju, there's so many films, Dangal, they're doing you know so amazingly well. Ek sawal aur, kya pichle 8 saalon mein aapko ab aisa lagta hai ki aapne bahut sari filmon mein choti choti bhumikaen ki hai, Gang of Wasseypur mein bhi aur bahut sari filmon mein, ab aapko lagta hai ki mainstream jo Bollywood hai usne aapko ek bade star par accept kar liya hai aur aap badi badi filmein kar rahe hain, aisa kuch ehsaas hota hai aapko ab? Ehsaas? I don't know sir, honestly I go let me answer that on his behalf. Khud I think khud ye bolna mushkil hai ki accept 100% kar liya aur I think bahut late kiya hai. He deserved it I think way before. Dinesh ji, Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update and finally when will we get to see the final? I think first let me let you guys figure out if I'm stree or no. Phir badminton racket rahungi. Agar is film ki baat kare, Dinesh ji, mera sawal aap se. Haan ji. Sawal isliye hai ki manch pe abhi char char directors khade hue hain, including you. आप प्रोड्यूसर हैं, इसीलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार्स भी जिस तरह से हॉरर फिल्म्स की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे?
बिल्कुल ही. एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है. सो हम चाहेंगे कि स्त्री टू, स्त्री थ्री, स्त्री फोर, स्त्री फाइव चलते रहे हमारे लिए गाड़ी. बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्यूनली डराएगा और जेन्यूनली हंसाएगा और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है. हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए. तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं. सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है और जैसे बड़े पर्दे पे जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए. तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी. तो मुझे लगता है ये जॉनर इज हियर टू स्टे. हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें और वो डायरेक्ट करते रहें. Guys, we'll continue with the questions. We'll continue with the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted two very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri.